सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से आप सबका धन्यवाद। जो 23 तारीख को हमने कैंडल मार्च किया था इंडिया गेट पे, उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों ने समर्थन दिखाया, तो हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे ही समर्थन बनाए रखो। 28 मई को नए संसद भवन के सामने हम महिला सम्मान महापंचायत कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब से आने वाली किसान मजदूर जत्थेबंदियां सुबह 11 बजे तक सिंधु बॉर्डर पर पहुंचेंगी। हरियाणा की खाप पंचायतें और टोल प्लाजों की संघर्ष कमेटियां टीकरी बॉर्डर पर सुबह 11 बजे तक पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश से आने वाली किसान जत्थेबंदियां और खाप पंचायतें सुबह 11 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगी। राजस्थान से जो भी खाप पंचायत होगी वो भी जंतर मंतर पर पहुंचेंगी। जो साथी ट्रेन या बस से आएंगे, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो, वे सभी 11 बजे सुबह जंतर मंतर पर हमारे धरने पर पहुंचे। दिल्ली के सभी जन संगठन, महिला संगठन और छात्र संगठन भी जंतर मंतर पर पहुंचे। आधे घंटे तक जलपान होगा और 11:30 बजे हम सभी मोर्चों से शांतिपूर्वक नई संसद के सामने प्रस्तावित महिला सम्मान महापंचायत के लिए मार्च करेंगे। हम हर हाल में शांतिपूर्ण रहेंगे। पुलिस अगर लाठी चार्ज करेगी, आंसू गैस के गोले सब सहेंगे, लेकिन बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे। पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी तो भी हम सभी गिरफ्तारी दे देंगे। हम कल दोपहर तक हर बॉर्डर की कमेटी अनाउंस कर देंगे, जिसमें आंदोलन में भाग ले रही जत्थेबंदियों और कमेटियों को एक एक आदमी होंगे। महिला सम्मान महापंचायत में हम देश की सभी महिलाओं को आमंत्रित करते हैं। जितनी भी महिला सांसद और विधायक हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हो, सभी इस महापंचायत में जरूर आए। इस महापंचायत में 5 महिला खिलाड़ी, महिला संगठन की नेता और सशक्त ग्रामीण महिला अपनी बात रखेंगी और देश की महिलाएं उस दिन कोई भी बड़ा फैसला ले सकती हैं। ना तो हम खुद हिंसा करेंगे और ना ही हम उसका समर्थन करते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि शांति बनाए रखें। कोई सवाल हो तो पूछ लो। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वो अभी पुलिस वालों से हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर हुआ तो हम सहेंगे और शांति रखेंगे। हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। अभी परमिशन नहीं मिला है और अभी लेटर भेज रहे हैं और परमिशन मिलता है तो आप लोगों को बताते हैं। और जैसे साक्षी ने बताया कि हम शांति चाहते हैं, जितने भी हमारे समर्थन में लोग आ रहे हैं, किसान संगठन है, महापंचायतें हैं, कोई भी संगठन है, वो आ रहे हैं। जहाँ पे आपको पुलिस रोके, आप वहीं रुक के वहीं बैठ जाना। हमें कोई भी हिंसा नहीं चाहिए है। हम वहीं बैठ के अगर रोकती है पुलिस तो वहीं से पंचायत शुरू करेंगे। आप अपने वीडियो बनाकर जो आप लोग वहाँ फैसला लेंगे वो हमें भेज दीजिए। वो सारे एक जगह बैठ के वही फैसले दोबारा से उन पे चर्चा करके और वो बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो यहाँ जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो यहाँ से जाएंगे और बाकी जो संगठन, जो भी जितने भी खाप पंचायत, जो भी टोल समिति, जितने भी लोग समर्थन में, वो सीधा उधर आगे संसद भवन के सामने जाएंगे। क्या जी? परमिशन नहीं मिलेगी मार्च तब भी होगा। हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, देश का नागरिक होने के नाते हमें परमिशन मिलना चाहिए। अगर जो हमारे खाप पंचायत में जो महिला महा पंचायत रखी है वो पंचायत जरूर होगी। बिना परमिशन के परमिशन क्यों नहीं मिलेगी? हम भी तो देश के नागरिक है। नहीं मिलेगा तो कोई सवाल ही नहीं है। हम हिंसा थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं मिलेगी। जहाँ तक भी हम पैदल मार्च करेंगे, जहाँ तक भी पॉसिबल होगा, हम वहीं बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक और वहीं से पंचायत शुरू करेंगे।
हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, जो भी जिनके प्रोग्राम है सब करिए, हम भी देश के नागरिक है। जो हमारे जो का पंचायत ने जो फैसला ले रखा है, जैसे साक्षी ने बताया, जहां मेरो काग जाएगा वहीं हम अपनी पंचायत शुरू कर देंगे। पहली बात तो हमारे मुंह से तो शायद ऐसा नहीं गया होगा कि वोट की चोट दो या कोई भी चोट दो। हमारी एक ही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और लोग क्या बयान दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं, देखो वो उनका खुद का एक निजी व्यू है और बैठे हैं बस लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गए हैं, हम हर जगह जाएंगे, आगे भी जाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम हर एक उस महिला के पास जाएंगे जो हमारे साथ में खड़ी हो सकती है इस अन्याय की लड़ाई में, और जो इस चीज को महसूस कर सकती है और आ सकती है, तो क्यों नहीं, हम उनका भी हौसला बढ़ा रहे हैं, वो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, तो हम सब एक दूसरे की ताकत बनने का काम कर रहे हैं इस लड़ाई में। जब 21 तारीख को महापंचायत हुई थी उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने खुद को लिया था, क्योंकि ये लड़कियों की, देश की बेटियों की लड़ाई है, तो फैसला भी उनको लेना चाहिए कि वो क्या चाहती हैं देश में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में। तो उन्होंने अपनी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे ताई चाची हैं या जो भी महिलाएं हैं जो कभी पीड़ित रही हैं या जो हमारे समर्थन में हैं, जो हमारे इस दर्द को समझ सकते हैं, वो ये फैसला ले। इसलिए उन्होंने ये बोला कि ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं, वो फैसला आप देश की संसद भवन के सामने लीजिए, क्योंकि देश की जो संसद भवन है वहीं पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं वही फैसला, जो जितना भी बड़ा फैसला लोगे, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है और देश की संसद भवन के सामने अगर ये फैसला लिया जाएगा तो वो एक बहुत ही पावरफुल फैसला होगा और देश की महिलाएं इस फैसले को लेंगी, तो वो जो फैसला होगा वो हम भी नहीं बता सकते एक्चुअली, तो क्योंकि जो हम बता रहे हैं कि जो भी खिलाड़ी हैं टीम में या जो भी महिला संगठन या भी जो ग्रामीण महिला क्षेत्र से जो भी महिलाएं होंगी वो इस चीज का फैसला लेंगी, और जो भी लेंगे वो डेफिनेटली देश की बेटियों के हक में ही होगा। देखो हम बार बार हाथ जोड़ के यही अपील कर रहे हैं कि हम जो भी चीज करेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, यहाँ बैठे हैं तो भी हम शांतिपूर्वक ही बैठे हैं, और अगर ऐसा हुआ कोई जो धरना या हमारी मार्च खराब करने के लिए हुआ तो वो हमारे उससे उसका कोई संबंध नहीं होगा, ये हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। हमारे जो आदमी होंगे उनसे हम अपील कर रहे हैं और करी भी हुई है कि वो कोई हिंसा नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। मैं इसी में चीज में ऐड करना चाहती हूँ आपके लिए, जो भी लोग जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रहें, अलर्ट रहें, वो देखें कि आपके आसपास में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस चीज को खराब करने के लिए आ रहे हैं, आप उनको पहचानिए और उनको वहां से आउट कीजिए ताकि हम बिल्कुल सेफ और अच्छे सपना, क्योंकि 13 महीने का किसान आंदोलन शांति से चला था, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी के साथ में वो चीजें करेंगे, और मैं उम्मीद है कि हम बिल्कुल शांति से अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग ब्रजभूषण के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे एक देश की बेटियों के साथ नहीं, वो देश के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये देश की बेटी अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा ना तो किस चीज के लिए कानून बना रखा है, संविधान किस चीज के लिए बना रखा है। ब्रजभूषण ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, कभी कुछ नाम रख रहे हैं लड़कियों के, कभी कुछ रख रहे हैं, उनके खुद को तो कोई
इज्जत या मान सम्मान मुझे लगता नहीं कि होगा। ऐसा कोई भी सभ्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति शब्द नहीं बोल सकता किसी भी महिला के लिए जैसे वो बोल रहा है।